श्रीगढ़ी जगन्नाथ दास जने ओडिया कवि और साधक थिले। से ओडिया साहित्यर पंचशखा कवि थरु जने। एही पंचशखा ओडिशा रे भक्तिधारा आवाहक थिले। चैतन्य देवंक पुरी आगमन समय रे से जगन्नाथ दासंक भक्ति भाव रे प्रीत होई सम्मान रे जगन्नाथंकु अति बड़ी डाकुथिले, अर्थात जगन्नाथंकर सबुठारु बड़ भक्त। जगन्नाथ ओडिया भागवतर रचना करथिले। प्रारंभिक जीवन 1490 ख्रीष्टाब्द भाद्र मास शुक्लपक्ष अष्टमी अनुराधा नक्षत्र बुधवार दिन मध्यान समय कपिलेश्वरपुर शासन में जगन्नाथ दास जन्मग्रहण करथिले। जो खेड़े वृषभानु नंदिनी राधादेवी जन्म बोली पुराण में वर्णित होती, ठीक से ही क्षण में जगन्नाथ दास जन्मग्रहण करधा अंशावतार बोली लोक विश्वास करती। पिता नाम भगवान दास और माता नाम पद्मावती। भगवान दास महाराजा पुरुषोत्तम देव पौराणिक थिले। शिक्षा शिशुटी जगन्नाथ देव प्रसाद लब्ध बोली भावी भगवान दास पंडित मान परामर्श क्रमे तहार जगन्नाथ बोली नामकरण कले। शिशु जगन्नाथ चतुर्थ वयस पदार्पण करने बेलू को पिता चूड़ाकर्म वर्णबोध आदि शेष करते। पंचम वर्षरे से विद्यारंभ करथिले। से प्रथमे ग्राम चाटशाड़ी वर्णपाठ और अंक आदि शिखिथिले। उपनयन उतारे पितांक निकटरे अमरकोश अभिधान एवं कलाप वर्तमान नामक दुईटी संस्कृत व्याकरण संपूर्ण कंठस्थ करथिले। निकटवर्ती ब्राह्मण शासन को प्रतिदिन जाई चतुर्वेद और सामवेदर संहिता मान से अध्ययन और कंठस्थ करथिले। न्याय वेदांत आदि दर्शन शास्त्र एवं महाभारत रामायण आदि धर्मशास्त्र समस्त पढ़ा परे से भागवत अध्ययन करथिले। यही समय रे पिता भगवान दास जगन्नाथंकर विवाह प्रस्ताव उठाइथिले। जगन्नाथ आउ केतक शास्त्र रे अध्ययन समाप्त करी विवाह करिया पई पितांकु अनुरोध करथिले। से जगन्नाथ दर्शन निमन्ते श्रीक्षेत्र पुरी को नीति आसुथिले। मंदिर भितर बेड़ा रे से बट गणेश निकट में बसी श्रीमद् भागवत पाठ करुथिले। बट बिहारी नामक श्री जगन्नाथ प्रतिमूर्ति निकट में आज पर्यंत पुराण पाठ हो पुराण पाठ राजप्रदत्त वृत्ति खंजा अच्छी। चैतन्य देव साक्षात 1509 ख्रीष्टाब्दरे श्री चैतन्य देव सन्यास ग्रहण कर भक्ति समेत श्री जगन्नाथ देव दर्शन निम्ते पुरी आगमन करते। जगन्नाथ दास बयस 19 श्री चैतन्य देव बड़दोल में प्रवेश कर बटमूल में प्रथम यहाँ भेटी थे। अढ़ाई दिन पर्यंत दुहे एकत्र बास कले। से ही काल में अन्य कहा सहित साक्षात हो न। जगन्नाथ दास और मठ दिने उत्कलर महाराजा प्रताप रुद्रदेव जगन्नाथ दर्शन करने को जाते। एमंत समय श्री चैतन्य संगे मंदिर भेट है। महाराजा श्री चैतन्य को पचारे जगन्नाथ मूर्ति में किपर राधाकृष्ण जुगल मूर्ति भाव उपलब्धि करुग्रह कर बुझाई दिंतु। यह शुणी श्री चैतन्य देव उत्तर देले आंभ अति बड़ी स्वामी ताकि स्पष्ट भाव में बुझाईदे। अति बड़ी स्वामी श्री जगन्नाथ दास महाराजा प्रताप रुद्रदेव को बुझाई देव राजा अत्यंत संतुष्ट हो भक्त और वशीभूत हेले। श्री जगन्नाथ मंदिर वायुगुण में मार्कंडेय तीर्थ से अनति दूर दक्षिण में निज राणी श्रीक्षेत्र अवस्थान दिवते महाराजा जो राजप्रसाद निर्मित होता तहीं जगन्नाथ दास को रहा महाराजा प्रार्थना कले। अति बड़ी प्रथम सेठार रहा अनिच्छुक सुधा महाराजा सेवारे और भक्ति रे संतुष्ट हो किसी काल से अवस्थान कले। वर्तमान ओडिया मठ नाम ख्यात। जगन्नाथ दास संसार कोलाहल वर्जित समुद्र तीरवर्ती बालुकामय भूमि एक निर्जन भजन कुटीर स्थापन कले। यार आधुनिक नाम सातलहड़ी मठ। यही मठटी शंकराचार्य मठर दक्षिण से अवस्थित। एठार जगन्नाथ दास मणि विग्रह विद्यमान। कथित अच्छी जगन्नाथ दास समुद्र तरंगर घोर गर्जन जो भजन स्मरण में असुविधा अनुभव कर श्री जगन्नाथ महाप्रभु कृपा प्रार्थी होवर प्रभु आज्ञा ने समुद्र सात स्तर लहर दूरता पर्यंत दूर को घुंची जाता। तेणु से ही दिन ठार भक्त मठटर नाम सातलहड़ी मठ हो।
गोस्वामी मुकुंद दास पांच कोटी शिष्य करी प्रधान शिष्य को निज मठ से गादीनसीन कराई अपर चारिगोटी को मठर चतुर्पार्श्वर रखाई पूरी कटक बालेश्वर और खोर्धा अंचल से चलाचल केतेक भूसंपत्ति खंजी दी उक्त चारिगोटी मठ अद्यावधि बड़ ओडिया मठर अधीन थी चली जथा सान ओडिया मठ मधुदास मठ बनमाली दास मठ भागवत दास मठ यहा छड़ा पूरी कुंठाई बेट साई और दांडीमाला साई में आहरी पंद्रह षोह टी मठ अच्छी से ही सब मठर अधिकारीगण बड़ ओडिया मठर नेतृत्व स्वीकार करसबू मठर अधिकारी मुंडे बड़ ओडिया मठर अधिकारी महोदय साड़ी बांधिले से निज निज मठर अधिकारी हमारी बड़ ओडिया मठर मतावलंबी शिष्य मैंने मोगलबंदी और गड़जात मानकर नाना स्थान में प्राय 2000 पर्यंत अच्छा वर्तमान अधिकारी वृंदावन दास गोस्वामी भाषाकोशर जड़े परम स्नेही पृष्ठपोषक अटंती 1550 ख्रीष्टाब्दर मागल शुक्लपक्ष सप्तम दिन जगन्नाथ दास तीरोधान होता किंवदंती जगन्नाथ दास भक्तिर गभीरता को नहीं अनेक किंवदंती प्रचलित तन्मध्य गोटे यही किंवदंती अच्छी मेधा और सुमेधा नामक दुईज देवकन्या जगन्नाथ दास सेवा करने को आसुले एणु राजा जगन्नाथ दास चरित्र उपरे संदेह कले राजा आज्ञा चार मैंने छकी छकी से दुई की धरने को चेष्टा करतर्ध्यान हो जाते अन्य एक किंवदंती प्रकार एभली आहरी एक अलौकिक घटना घटेला जगन्नाथ दास जीवन में काशीराम नामक जन व्यवसायी जगन्नाथ महाप्रभु दर्शन पाई आसी ठाकुर श्रीअंग लागर निम्ते श्रीखंड चंदन टेलाटीए महाराजा को दे जाते एथिरे कस्तूरी कर्पूर प्रभृति बहुविध मूल्यवान बासद्रव्य मिश्रित होता दिने राजा से टेलू खंडे जगन्नाथ दास को दे महाप्रभु श्रीअंग लागर कहले मात्र भक्त जगन्नाथ ताक घोरी भावविहल अवस्था मठ कांथ लेपिदे राजा ए समाचार पाई जगन्नाथ दास को पचार कहले मु ठाकुर श्रीअंग चंदन पोड़ी राजा परीक्षा उद्देश्य मंदिर जाए देखले वास्तव में तीन ठाकुर श्रीअंग चंदन लेपित हो मंदिर सुगंध से महकी उठू रचनावली भागवत लिखन मूल लेखा ओडिया भागवत व्यासदेव द्वारा रचित संस्कृत श्रीमद् भागवत ओडिया भाषाभाषी निकट आदृत हो पार्ला जगन्नाथ दास पिता भगवान दास बड़देवल पुराण पंडा थे पर जगन्नाथ दास पुराण पंडा है से संस्कृत भागवत को सरल भाषा बुझाई देते जगन्नाथ बो ओडिया भाषा पद्य रूप से शुणापी पु को निर्देश दिखती विधवा माँ बार्धक्य पुण्य संचय आशा कृष्णचरित शुणा को आशायी होव जगन्नाथ दास जननी अभिलाषा पूरण निम्ते अध्याय अध्याय पद्यनिवाद शुणा को लगे से ही पद्यनिवाद भागवत ग्रंथर रूप नेला जगन्नाथ दास गोस्वामी बटगणेश निकट में बसी संस्कृत भागवत को ओडिया भाषा नवाक्षरी वृत रचना करथिले अन्यन्य रचनावली यह छड़ा से संस्कृत और ओडिया भाषा भक्ति ग्रंथ मान रचना करथिले अर्थ कोइली फूलतोड़ा चौबीसा दुति बोधे श्री सत्संग तुला भीणा पसंद दलन गज निस्तरण श्रीमद् भागवत जगन्नाथ करीब ध्रुव स्तुति मन शिक्षा कृष्णभक्ति कल्पलता कृष्णभक्ति कल्पलता फलम नित्य गुप्तमाला उपासना शतक नित्याचर दीक्षा सहित उपासना विधि श्रीर राधा रसमंजरी नीलाद्री शतकम नामचंद्रिका अनानय कुंडली भूगोल एकादश स्कंद ब्रह्म गीता गुप्त गीता दारु ब्रह्म गीता पंचभूत गीता षड़रस भागवत नित्य नीलाद्री विलास मृगुणी स्मृति पहांती अवकाश गुंडीचा बीजे हाथी झूलेरे भसा हरण तांकर संस्कृत सर्जना उपासना शतकम कृष्णभक्ति कल्पलता जगन्नाथ चरण स्मृति सरणी नित्य गुप्तमाला नीलाद्री शतकम प्रेम सुधानिधि श्री राधार समंजरी मृगुणी स्मृति ओडिया सज्जन
ଭାଗବତ ମୂଳ ଭାଗବତର 11ଟି ସ୍କନ୍ଦର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ଗୁପ୍ତ ଭାଗବତ, ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଗୀତା, ଗୁଣ୍ଡିଚା ବିଜେ, ଗୋଲୋକ ସରଧାର, ଶୈବାଗମ ଭାଗବତ, ଷୋଳ ଚୌପଦୀ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦର୍ଶନ, ଅର୍ଥ କୋଇଲି ଏବଂ କାବ୍ୟ ଉସାହରଣ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ।